अच्छा मौसम है और इतनी बुरी आप ओपनिंग कर रही व्लॉग की यार। ओ अली आ गए बच्चों की बुक्स लेकर। इतनी बुक्स बच्चों को दे दी, इतना उन्होंने पढ़ना नहीं है। ये जी हमारा खाना आ गया है। स्कूल खुल गए आज जी, खैर से स्कूल जा रहे हैं ये लोग, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने जो है वो 2-3 डेज बाद जाना है क्योंकि मोहम्मद आमिर का एडमिशन कराना है। तो अभी हम लोग बस रास्ते में है और किरत का भी कैंपस चेंज हो गया है। तो हाउ आर यू फीलिंग किरत? मामा गुड। मामा बात सुने, अभी लेट हो गए हम, 8 o'clock जो है इनका स्कूल लग जाता है और ये टाइम हो रहा है। ये किरत की वजह से लेट हुए हैं। किरत ने जो है स्पेशल हेयर स्टाइल बनवाना था अम्मा से। दिखाओ किरत ब्रेड, ये ब्रेड बनवाई है किरत ने अम्मा से। अम्मा को उठाया किरत ने जाके कि अम्मा क्या बनाई है, ब्रेड 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 बनवाई है अम्मा से। हाँ जी ब्रेड बनवाई है। चिकन ब्रेड के साथ? चिकन ब्रेड बनवाई है, चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड देखा बाबा। तो बस इस बालों की वजह से, इसके बालों की लेट हो गए हैं। इतना अच्छा मौसम है और इतनी बुरी आप ओपनिंग कर रही व्लॉग की यार। 10 बस का टाइम है, हंसते मुस्कुराते चहकते हुए अस्सलाम वालेकुम इस जोर शोर की रोशनियों के साथ और बारिश की चमचमाती हुई बारिश के साथ इस वाने मौसम के साथ स्वागत है आपके अपनों का मावरनगरी व्लॉग्स का। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब कुछ आप अभी ही कर दे, गुड नाइट भी अभी ही कर दे। बंदा कुछ अच्छी चीज करता ना, उसमें सुबह आप लोगों को नींद में बता रही हूँ मैं और कुछ आ रही हूँ। हाँ तो नींद में ही, ऊपर से मेरे पेट में भी दर्द हो रही है, मेरे से ज्यादा बोला नहीं जा रहा। आप बोले कंटिन्यू करें। ये क्या हुआ है स्टेयरिंग को? शाही साहब ने चेंज करवाया, क्या कराया ठीक है। शाह जी पता नहीं क्या क्या करता रहता गाड़ी के साथ। स्कूल खुल गया, रश शुरू हो गया। हाँ रश शुरू हो गया, एक तो लेट हो गए और ऊपर से अब रश भी है। चलो फर्स्ट डे लेट जाओ किरत, फर्स्ट डे लेट है तो। हाँ किरत का कैंपस आ गया, चलो उतरो किरत। फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलें जी। किरत को तो मैं छोड़ा ही हूँ अंदर और किरत जो है वो शायद इतने देर बाद गई और न्यू कैंपस था, न्यू टीचर थी तो किरत रोना शुरू हो गई थी। फिर थोड़ी देर मैं उसके पास ही बैठी रही हूँ, उसको रिलैक्स किया, उसकी फ्रेंड से पास बैठाया है, फिर आई हूँ मैं। कहती जल्दी आना आपने, लेट नहीं आ। किरत की फेवरेट फ्रेंड आई हुई थी जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ हाँ सारे आई हुई थी, आयरा भी थी, सरवा थी, आयरा वो मनोज सरवा, क्या नाम है सलवा, आयरा सरवा वो दूसरी है, सरवा। तो सब थे, खैर हो गई थी रिलैक्स। अब मैं फिर आई हूँ, अब जोहा को छोड़ने जाते हैं। जोहा काफी लेट हो गई है किरत की वजह से। जोहा का स्कूल भी आ गया, आ जाओ उतरे जल्दी करें, लेट हो गए हैं बहुत। चलो जी चलो चलो आओ। जोहा को भी छोड़ रहे हैं हम और अब मोहम्मद आमिन आपको भी उतारे। मोहम्मद आमिन का स्कूल दिखा दे फिर। ये है आपका स्कूल, 2 डेज बाद आपने इधर आना है, ठीक है? ओके गुड बॉय। अंदर से भी जाने देखना, पहले एडमिशन हो जाएगा ना, फिर 2 डेज बाद आएंगे ना, थोड़ा गेट खुला हुआ था, यहाँ से नजर आ जाएगा। ठीक है क्यों? आपकी ये ब्रांच है ना, उन्होंने ये कर दिया, बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों का ये कर दिया उन्होंने, मुन्नी बेबीज का जो होता है ना आपके, उन्होंने ये ब्रांच कर दी उन्होंने। मुझे कौन सा अच्छा लगता है? फरमाइश क्या मैं चूज करूंगा, अड्डा रह गया तू। कौन सा अच्छा लगता है मेरे बेटे को? हैं बड़ा वाला, बड़ा वाला, बड़ा वाला है ये, बड़ा ही है इसमें ना, इतना नहीं। अंदर जाके देखो स्विंग्स लगे हुए हैं, अंदर कार वाली गेम्स हैं, बड़ा कुछ है अंदर, बहुत बड़ा है ये। ये स्कूल थोड़ी है, ये तो मॉल बन रहा है इतनी देर से जो बेचारा फंसा हुआ है, ये स्कूल तो नहीं है। 6.5 hours later. So how was your day, Kirat? हैं? Good. चलें घर अब. Oh very nice. आपने ये बनाया flag. Good. Good. How was your day? तो सुबह रो क्यों रही थी फिर? हैं क्या हुआ था उस time?
आपके रोने की वजह से मैं जल्दी भी आ गई। क्या हुआ तब तो? अच्छी है टीचर। A few inches later. क्यों, क्या है बैग में? बेटा ये क्यों दे रही हैं? टीचर ने दिया और भी एक पढ़ा तो है वो भी। मैंने अपने स्कूल का लोगो बनाया इस पे। नाइस। तो ये आपने सेंटर में बनाना था, यहाँ बनाया? गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बना। चलो अब इसमें आप अपनी चीजें रखना, जो घर में खेलते हो ना वो इसमें रखना, ठीक है? इसमें मैं अपने कपड़े रखूंगी। कपड़े रखूंगी? कपड़े रख के कहाँ जाओगी? लाहौर? कपड़े ये क्या बना हुआ आपके लिए? फ्लावर। किसने बनाया? फेस पेंटिंग हुई थी भाई। अच्छा, पाकिस्तान डे था। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। किसने बनाया ये? कौन सी टीचर ने किया था? आर्ट टीचर। चलो जी घर आ गया। चलो बाद आ जाओ तुम जरा किरत। घर आ गया है और नींद आ रही है मुझे बड़ी, था क्या नींद जो है पूरी नहीं हो रही। अच्छा जी, स्कूल से लेके आके बच्चों को मैं सो गई थोड़ी देर, बच्चे भी सो गए, बच्चों को सुलाया था स्कूल से आके, क्योंकि फिर शाम में ये लोग डाउन होना शुरू हो जाते हैं, इनकी बैटरी जो है वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि स्कूल से आके लाजमी सो। वैसे नहीं सोते लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए जो है मैं इनको सुलाती हूँ। खैर सो गए, फिर अब हम उठे उसके बाद इधर उधर लगे रहे, थोड़ी मैं डाउन हुई हुई थी, तो अभी अली आए हैं थोड़ी देर पहले, अब हम लोग जा रहे हैं बच्चों की बुक्स लेने। अब इनकी बुक्स नहीं आई हैं और स्टेशनरी पैक वगैरह नहीं आए हैं। अली अंदर गए हुए हैं वो फार्मेसी पे, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं पीछे, और ये वफाइज है ना, वे वफाइज है ना, ये आ गए अली और अली आ गए हैं। और अली आ गए हैं, गमला को नया स्टार्ट कर लेते हैं और चलें जी। मैंने स्टार्ट उन्हें बता दिया, मैं आई थी जब बच्चों को स्कूल से लेके, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया। फायदा ना, ओए बाहर बारिश स्टार्ट हो गई। ओ बाहर हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई। स्टार्ट यार अली, मुझे सिगरेट की थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है गाड़ी से। सिगरेट की पागल हो गया You have gone mad. आपको पता है सिगरेट की स्मेल में कितनी गंदी लगती है? बाबा आए थे अभी तो उन्होंने ये मेरे लिए भी लेके आए, तो हालांकि अभी ये पहना हुआ मैंने, लेकिन फिर भी सिगरेट की स्मेल आ रही है। आपका डॉगी बोल रही है कि आपको फौरन स्मेल लावे सिगरेट की? क्योंकि आपको पता है सिगरेट की स्मेल मेरे सर में चढ़ती है और मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। हल्का सा थोड़ा सा मैंने उसकी आ रही है ना, आ रही है ना, सब बच्चों को भी आ रही है। दो पफ लिए थे मैंने तो बस। झूठ बोल रहे हैं? चले अभी हम लोग जाते हैं, देखते हैं कहाँ से मिलती है इनकी बुक्स, क्योंकि टाइम काफी हो गया। अली आ गए बच्चों की बुक्स लेकर। इतनी बुक्स बच्चों को दे दी, इतना उन्होंने पढ़ना नहीं है जितनी इनकी बुक्स आ गई हैं इनकी। नहीं खैर पढ़ेंगे तो सही, ऐसी बात नहीं है, लायक बच्चे हैं जी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हर काम में इतना शोर क्यों मचाते हैं आप? यार इतना वजन उठाया मैंने, आपने इतना तंग किया। मैंने तो कहा था मैं रुक जाती हूँ, खुद ही मुझे गाड़ी में भेज दिया, जाओ गाड़ी में जाके बैठो। कमर में दर्द हो रही है, यूनिफॉर्म पता कर लें इनका वाले से। हाँ जी आप यूनिफॉर्म पता कर लो, मेरे सर में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं शाह गाजी मजार बता रहता हूँ, वहाँ से आप खुल के बैठ लंगर करके आए, मिठाई मिलेगा, नमकीन मिलेगा, जर्दा भी मिलेगा, हलीम दाल चावल सब कुछ मिलेगा आपको, चने वाले चावल सब मिलेंगे। ओह माय गॉड, शॉप पे चले यूनिफॉर्म।
हम लोग अब आए हैं लैंडोस, अली लैंडोस के लाने लाए हैं जबरदस्ती का, है ना अली? घर अच्छी बड़ी कढ़ाई बनी हुई थी असलम भाई ने, मज़ेदार कढ़ाई बनाई हुई थी, वो हम कल खा लेंगे, कोई मसला नहीं है असलम भाई, आप टेंशन ना लें। ये यहाँ बैठ के दोनों खेल रहे हैं और फायद है ना, जब सो रही है अभी, खाना आएगा तो उसको खाती हूँ। और ये आ गई हैं पेरी बाइट्स, फौरन ही स्टार्ट हो गए हैं अभी तो। जी हमारा खाना आ गया है, पेट जी इनका भी खाना आ गया, बर्गर आ गए बच्चों के। Day 2. Assalamu alaikum. Welcome back to another Zero Meter Vlog of Mawra Nindi YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आज मौसम है बहुत सुहाना और हम लोग भी हैं बहुत सुहाने हैं। ये क्या कह रहे हैं आप, खबरें पढ़ने लग गए? नहीं, आज मौसम की ताज़ी सूरत हाल ये है कि हम सुबह सुबह निकले हैं तो हल्की हल्की बारिश किरमिन किरमिन शुरू हो गई है, और आज से मेरी क्या कल से मेरी ड्यूटी शुरू हो चुकी है, बच्चे को स्कूल ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक ने पिक करने की तो नहीं खैर से, सिर्फ ड्रॉप करने की, क्योंकि मैं ड्रॉप करने के बाद स्कूल पर चला जाता हूँ और ड्रॉप करने की ड्यूटी शुरू हो गई है। अरे कहना क्या चाहते हो, पागल हो गए, ड्रॉप करने की ड्यूटी मेरी है, पिक करने की ड्यूटी जो है वो मामा की है। मामा जी दो दिन से तो आप मुझे भी साथ लेके जा रहे हैं ड्रॉप, क्योंकि बेटा वो आप भी अंदर जाना होता है, टीचरों से मिलना होता है, शुरू शुरू बच्चों की बुक्स वगैरह बतानी, ये वो सारी चीजें मामला वगैरह होते हैं। खैर मौसम तो बहुत मजे का हुआ, खड्डा मौसम तो खैर बहुत मजे का हुआ, दिल तो मेरा कह रहा कि मैं इनको यहीं सड़क पर उतार दूं और मैं यहाँ खड्डा मार्केट से पहले खाऊं गरम गरम हलवा पूड़ी, हलवा पूड़ी, चलो बच्चों को स्कूल उतार के फिर हम मामा को जो है वो अच्छा से नाश्ता करवाते हैं, है मामा जी? ओके, चलो बैठे साथ ही ड्रामे शुरू हो गए, चलो जी बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। इतनी गंदी स्मेल आ रही थी गाड़ी से, ये शाहिद साहब जो हैं वो गाड़ी में गंदे गंदे एयर फ्रेशनर, जो कार फ्रेशनर की स्मेल पता नहीं क्या, चलो सारी स्मेल आना शुरू हो गई है, सारी एयर फ्रेशनर की, सिगरेट की, पता नहीं क्या क्या। आपको पता है कि मुझे सख्त एलर्जी है, मेरा गला भी और सर में मुझे वैसे। अच्छा चलो जी खैर छोड़े, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, दिल कर रहा है मैं बाहर खड़े हो बारिश में डांस करूँ मैं। खैर अभी जाते हैं बच्चों को स्कूल उतारते हैं और फिर देखते हैं टाइम बचता है तो फिर बच्चों को साथ, इन बच्चों की जो अम्मा है इनको नाश्ता कराते हैं। चलो जी पहला स्टॉप तो आ गया किरत मैडम का, किरत मैडम आपके स्कूल आ गए, चला जी उतरे आपका स्टॉप आ गया फटाफट, अरे आप बस स्टेशन आ गया आपका, बहुत जी किरत का जी स्कूल खैर से, आप किरत को ड्रॉप करने के बाद हम करते हैं हम जोहा मैडम को ड्रॉप। चले जी अभी आ गई है जी जोहा की ब्रांच, चले जोहा आपका स्टॉप आ गया, रेडी हैं आप फटाफट, लेट हो गई आप 28 मिनट्स लेट हो गई मैडम जोहा। चले जी ये रही जोहा की ब्रांच, जय मामा जी, जल्दी छोड़ जाइएगा, आप जाकर तो बैठना चाहिएगा और बस आना जाना करिएगा, शाबाश जल्दी जाए, बाय बाय जोहा, चलो गुड गर्ल जल्दी जाओ, बैग बैग बुक्स पकड़ो अपने। Few moments later. चलो जी कैमरा मैंने कर दिया है फिक्स, आगे डिब्बे शब रख के छुपा दिए, अच्छा मैं अब लगा लेता हूँ लाइटर ताकि उसके आने से पहले पहले थोड़ा गाड़ी में धुआं धुआं हो जाए ज़रा। फर्स्ट टाइम लगाने लगा तो डराना कैसे है, वो कागज खाली साइड है,
इतना गंदा वो वाला, इसको मैं क्या करूँ, ऑन नहीं हो रहा, जला ही नहीं, ये तो कैसे जलेगा। बहुत सब वो आ रही है, बाबा को भी सिगरेट से सब चिड़ है, गाड़ी में धुआं हो जाना, बाबा ने कहा सिगरेट कहाँ, किसने पिया गाड़ी में, बाद में विला को देखेंगे पता चलेगा उनको, नहीं जल रहे थे बंद हो गया फिर से, कैसे जलेगा। धुआं जब चला जा मावरा, बहुत बहुत सुस्त तरीन औरत है ये, जाती है अंदर जाकर बैठ जाती है। उई मावरा आ गया, मावरा आ गया, इसको फेंकू मैं, लगा लेता हूँ। क्या किस चीज की है, क्या हुआ, क्या हुआ, सिगरेट की यार इतनी स्मेल हुई हुई है, अभी पहले तो नहीं थी इतनी स्मेल, पहले कम थी, बहुत ज्यादा हो गई है। कहां से पागल हो गई तुम, तो सिगरेट स्मेल हो गई, चलो क्या सिगरेट की स्मेल। तो मैं अंदर आके बैठी हूँ, दरवाजा बंद करके क्या किया, वो जो खांसी आई थी वो स्पिट किया बार में, वो मैंने स्पिट किया था मैंने, क्यों क्या हुआ, बहुत स्मेल हुई है, पागल समझा हुआ मुझे, क्या पागल समझा हुआ, क्या मतलब, ये डब्बिया क्या कर रही है, ओ, ओ, ये भूल ही गया मैं, बारह वो है कभी कभी थोड़ा बहुत कभी कभी लगा रहा तुम्हें, मेरी भी असलम भाई की है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा, असलम भाई की क्या कर रहा, कैसी है, क्या असलम भाई की आपके पास क्या कर रही है, असलम भाई ने तो दिन में 10 दफा पीना होता है, नाश्ते से पहले पीती है, नाश्ते के बाद पीती है, उनकी आपके पास क्या कर रही है। रात को शहजी के साथ असलम पे गया था तो उसकी गाड़ी में रह गई थी, तो वो मैंने कहा टेस्ट कर लो मैं क्या है, कैसी है, सुबह मेरी तबीयत गाड़ी में बैठते साथ ही वॉमिट फील होना शुरू हो गई है और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। यार मेरी नहीं है मोहरा, मैं कहता हूँ मेरी नहीं है, ये असलम भाई की है, मैंने वैसे ट्राई किया है। यार क्या मतलब झूठ बोली जा रही हो मेरे से, जब मैंने आज तक सिगरेट पिया कभी, आप बताओ यार क्या हो गया, मेरी नहीं है, मैं कहता हूँ असलम भाई की है यार। ओ मुंह क्यों बना लिया आपने, असलम भाई की आपके पास क्या कर रही है, वो तो शाहजी के साथ गया था, वो गाड़ी में रह गई, कब गए हैं वो शाहजी, रात को लेट शाहजी के साथ, कोई नहीं गए वो शाहजी के साथ। अच्छा आप जाकर को दे देना बस, जिनको देना, आप गाड़ी में रह गई, असलम भाई लेने आप, ये लो भाई मेरी नहीं है, मैं कहाँ पीता हूँ पता यार, क्या मेरी नहीं है, कह रहा हूँ असलम भाई की यार, यही फजूल में तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, फजूल में यार पीते नहीं है आप, तो एक गाड़ी में करके आ रही है, मुझे ये बताओ असलम भाई की, क्या तरह असलम भाई की जगह, असलम भाई गाड़ी में है नहीं, असलम मैं करूँ पास, ओए होए किसी से मैं सारे सिगरेट तोड़, ओए नहीं नहीं असलम भाई की यार, अरे फेंक दूंगी तोड़ के यार, किसी के जरूर तोड़ने, असलम भाई की उन्होंने डाल दिया, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं, मत यार चल चीज ले, ऐश ऐश भी गिरी हुई है उधर सारी, और जल्दी जल्दी बाहर फेंक दी मैंने, आ पा रहे इधर वो गाड़ी नहीं चला गया, सॉरी सुबह सुबह कौन टेस्ट करते सिगरेट, सर माफ कर, सर माफ कर, टाइम रख गया आप, अभी सुबह पौने नौ हो रहे हैं, नाश्ते का टाइम है, सॉरी आप सुबह सुबह सिगरेट टेस्ट कर रहे हैं बैठ के, मैंने नहीं करना नाश्ता। अच्छा यार बस मजाक कर रहे हैं यार, क्या हो गया यार, वॉमिट फील हो रही, कसम से मैंने वॉमिट आपके ऊपर ही करनी है। अच्छा वो देखो मैंने कैमरा छुपाया है सामने, ये देखो कहाँ छुपाया हुआ है, वो डब्बे के पीछे, चलो ये डब्बे के, देखो मैंने डब्बे के पीछे कैमरा छुपाया था मैंने,
ये था आपका, मैं प्रैंक कर रहा था। आई वॉज डूइंग प्रैंक। असलम भाई साथ में डब्बी लेके आया था रात को, ठीक है, गाड़ी भी दी थी मैंने, और मैं सोचा सुबह मामा से प्रैंक करूंगा, इसलिए मुँह आप ठीक कर लें प्लीज। रात को जो स्मेल आ रही थी वो असलम भाई गाड़ी में बैठ कर सिगरेट पी रहा था, इसी स्मेल आ रही थी। बिल्कुल इतनी स्मेल, इतनी ज्यादा स्मेल असलम भाई, अभी थोड़ा सा एक हल्का सा कश लगा इतना मेरे गले में गया था, तो मेरा गला खराब हो गया मेरा। अच्छा मुँह ठीक कर लेना बाप प्लीज। कसम से जा रहा हूँ, सॉरी लाई जा रही हूँ, मेरे सर जो सर मादन आपके शीशे के सामने बस कर, आपको नाश्ता करता हूँ, मुझे हलवा खड्डा मैकड़ी लस्सी बनाता हूँ ठंडी ठंडी, और साथ इनको एक हलवा पड़ी अच्छा मजेदार नाश्ता कराता हूँ। चले जी, चलो जी, चले चले जी, चले ना ना असलम भाई की ना फेंका, बुरी बात आ रहा है बेचारे की आई मुझे नई डब्बी लग रही पड़ती मुझे ना कर चल, अब मुझे नई डब्बी लेके देनी पड़ जानी इस्लाम भाई के लिए। वैसे बहुत बुरी बात है यार आपने डब्बी फेंक दी, वेरी बैड। मैं कहता हूँ आपको लस्सी पिला दूंगा, आपको नाश्ते नाश्ता करता हूँ, आप परफ्यूम लगा लो सर जी। पापा ने भी कहा ना गाड़ी में स्मेल आ गई, स्मेल मिक्स हो जानी है, परफ्यूम फ्रेशनर एक शायद ही अजीब से फ्रेशनर की होते हैं, आपने ऊपर से सिगरेट की स्मेल डाल दी है, वहाँ से भी शीशा खोले। अच्छा जी, मीठी लस्सी इसे कहते हैं व्हाइट वाइन, व्हाइट वाइन हजम में एक नजर लगा रहा हूँ आपने, नहीं मतलब वॉमिट फील हो रही है ना, मैं आपको हजम कराने के लिए बुला रहा हूँ आपको। मजेदार मजेदार, बड़ा छोड़ दो छोड़ दो, अजीब सी है लस्सी, क्या अजीब सी है, तुम खुद अजीब सी हो, इससे अच्छी घर में बन जाती है। जाओ जगह बना के जाओ, रात निकल पड़े हैं रास्ते में, हमने सोचा था जब मैं उनको नाश्ता कराऊंगा, लेकिन इन्होंने लस्सी भी अपनी पूरी नहीं पी, वैसी वैसी लस्सी छोड़ दी उन्होंने, और मेरा बैंक का थोड़ा काम था मुझे वहाँ पे, अब निकल पड़ा हूँ घर जाता हूँ, घर जाके मैं नहाया कपड़ा, घर जाता हूँ, घर जाके मैं नहाऊंगा, नहा के तैयार होऊंगा शूटिंग में जाने के लिए, क्योंकि 9:20 हो गए हैं, वी आर ऑलरेडी लेट, तो पापा तैयार होंगे तो मैं भी जाकर थोड़ा तैयार होऊंगा, और फिर पापा को लेके हम चले जाएंगे मेरे मजदूरी करने के लिए शूटिंग पे, सारा दिन फिर काम करेंगे, रात को फिर थके हारे टूटे घर आएंगे, तो इसलिए फिर मैं अपना ये आज का व्लॉग करता हूँ यहाँ पर एंड, मिलते हैं सून अपने अगले नेक्स्ट 0 मीटर व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा, और मौसम के साथ साथ हमें अपडेट करते रहिएगा, हैं नहीं गलत हो गया, हाँ साथ साथ हमें अपने दुआ में याद रखें, और जिसने भी तुम्हारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या अपने सब्सक्राइब कर दिया तो मेहरबानी यार, अल्लाह से वास्ता यार, थोड़े व्यूज़ बढ़ा दो यार, क्या हो गया यार, क्या चला जाएगा आप लोगों को, थोड़े से व्यूज़ हमारे बढ़ा दो यार, बहुत ठंडे व्यूज़ जा रहे हैं आजकल हमारे, बस इसी तरह हमें शेयर करते रहें, फॉलो करते रहें, सपोर्ट करते रहें, और हमें अच्छी अच्छी दुआओं में याद करते रहें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, शबा खैर।